मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। मुंबई के कांदीवली में शनिवार को एक नाले से बरामद दो लाशों की पहचान हो गई है। इसमें से एक है अभिनेत्री हेमा उपाध्याय और दूसरा है उनके वकील हरीश पंभानी का शव। शव की पहचान आज की गई। ज्ञात हो कि दोनों की लाश कल मुंबई के कांदीवली में एक नाले में एक बॉक्स में बंद पड़ी हुई मिली थी। मामले की जानकारी होने के बाद शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके अनुसार वकील हरीश के दोनों हाथ बंधे हुए थे और दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। शवों को देखने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों की हत्या दो दिन पहले कर दी गई थी। इधर पुलिस ने बताया है कि उन्हें एक सफाई कर्मी ने लाश मिलने की जानकारी दी। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और हत्यारों की तलाश लगाई जा रही है। मीडिया में जो खबरें चली उनके अनुसार अभिनेत्री हेमा और उनके पति चिंतन उपाध्याय के बीच कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। हेमा ने 2013 में अपने पति पर उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था जिसको वकील हरीश भंभानी ही देख रहे थे। ज्ञात हो कि हेमा और चिंतन ने 1998 में शादी की। शादी के बाद 12 साल बाद 2010 में दोनों ने तलाक की अर्जी दाखिल की। हेमा ने अपने पति पर कमरे की दीवारों पर उसकी आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने का आरोप लगाया था। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।